फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दिस वीडियो. इन द लास्ट वीडियो विच वॉज वेरी शॉर्ट फॉर ओनली फॉर अ मिनट, हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द डिस्पेंसिंग, जिसमें हमें पता चला था कि डिस्पेंसिंग दो तरह की होती हैं, आरएम डिस्पेंसिंग और पीएम डिस्पेंसिंग. सो आज के वीडियो में हम लोग जो है इनका एक ब्रीफ दे देते हैं कि डिस्पेंसिंग हमारे पास दो तरह से है, आरएम यानी कि रॉ मटेरियल और पीएम यानी कि पैकिंग मटेरियल. आरएम में भी हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं, एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक्सीपिएंट्स जिसमें कि डाइल्यूएंट, लुब्रिकेंट ये सब चीज़ें आ जाती हैं, और लिक्विड्स जैसे कि सॉल्वेंट्स हैं या कोई ह्यूमेक्टेंट है, ग्लिसरॉल, पीजी, ये सब हमारे लिक्विड्स में आते हैं. सेकेंड हमारे पास पैकिंग मटेरियल का है. पैकिंग मटेरियल में भी तीन तरह से डिस्पेंसिंग होती है, तीन चीज़ों की, PPM यानी कि प्राइमरी पैकिंग मटेरियल, SPM डेट इज सेकेंडरी पैकिंग मटेरियल एंड TPM यानी कि टर्शियरी पैकिंग मटेरियल. आज की वीडियो में हम लोग जो है मेन रॉ मटेरियल डिस्पेंसिंग पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग पूरे को लेते हैं तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा. तो आज की वीडियो में हम लोग मेन फोकस करेंगे रॉ मटेरियल की डिस्पेंसिंग. तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि एक होता है API, एक है एक्सीपिएंट और एक है लिक्विड. तो इन तीनों की डिस्पेंसिंग अलग अलग तरीके से होती है, कैसे वो हम लोग आगे समझते हैं. अब जैसे हम लोग कहते हैं रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल में सबसे पहले हमने जैसे बताया API. API है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, मतलब जिसकी वजह से उस मेडिसिन में पोटेंसी आती है, जिसकी वजह से इफ़ेक्ट आता है. एक्सीपिएंट्स ये दो तरह के होते हैं, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल. फंक्शनल का मतलब क्या है, जो उस प्रोडक्ट को या उस मेडिसिन को किसी तरह की पोटेंसी या फिर कोई एक्टिविटी प्रोवाइड करा रहा हूँ, जैसे कि प्रिजर्वेटिव्स. प्रिजर्वेटिव्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, दीज आर द फंक्शनल एक्सीपिएंट्स. नॉन फंक्शनल में आते हैं वो जो फॉर्मुलेशन में सिर्फ बल्क बढ़ा रहे हैं, यानी कि उसको कंज्यूमेबल बना रहे हैं. इसमें आते हैं डाइल्यूएंट्स. अब इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि API है और एक्सीपिएंट है, तो API की एक पोटेंसी होती है जिसकी वजह से इफ़ेक्ट जनरेट होता है. इसी पोटेंसी की वजह से इफ़ेक्ट भी आता है और इसी पोटेंसी की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी जनरेट होते हैं. इसलिए हमारा एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एट द टाइम ऑफ डिस्पेंसिंग कि क्वांटिटी ऑफ द API एंड एक्सीपिएंट शुड बी ऑप्टिमल, यानी कि जो रिक्वायर्ड है उतना ही होना चाहिए. अगर उससे ज़्यादा डिस्पेंस होता है तो वो हमारे लिए साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकता है, अगर कम होता है तो इफेक्ट जनरेट नहीं होगा. दीज आर ऑल बेस्ड ऑन द बायोफार्मास्यूटिकल एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट, जिसमें हमारे पास एक एक्टिव विंडो होता है, इफेक्टिव विंडो. अब जब मुझे क्वांटिटी डिसाइडेड है कि इतनी ही क्वांटिटी मुझे डिस्पेंस करनी है, तो क्वांटिटी मुझे कैलकुलेट भी करनी होती है. कैलकुलेट क्या मतलब, कि जैसे अगर कोई ड्रग है जो जिसकी डोजिंग मुझे 500 mg करनी है, तो मुझे वो 501 पे अगर साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करता है और 499 पे उसका इफ़ेक्ट जनरेट नहीं होगा, तो मुझे हमेशा 500 mg ही API डिस्पेंस करनी है फॉर ए टैबलेट या फॉर ए कैप्सूल, जो भी डोजेज फॉर्म है. इसी के हिसाब से हम लोगों का डोज कैलकुलेशन होती है या क्वांटिटी की कैलकुलेशन होती है. अब उस क्वांटिटी की कैलकुलेशन के लिए हमारे पास एक सबसे बड़ा फैक्टर आता है, असे ऑफ दैट API. हर API के असे के लिए एक लिमिट है, हर मोनोग्राफ में दिया हुआ है. अगर नहीं है तो वो आप प्लांट के इनहाउस स्पेसिफिकेशंस में गिवन होता है कि इतने से इतने के बीच में ही हमारे प्रोडक्ट का असे यानी कि पोटेंसी होनी चाहिए. इन द मोस्ट कॉमन केसेस ये 95 से 105 होता है, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए.
तो इस असे के लिए, इस असे के बेसिस पे हम लोग क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं। अब इस कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मुझे 500, जैसे मैंने कहा कि मेरे ड्रग की डोजिंग 500 mg है और मेरे पास फॉर्मुलेशन में 1,00,000 टैबलेट्स हैं, सॉरी 1,00,000 टैबलेट्स हैं, तो इस 500 mg के हिसाब से मुझे ये भी पता होना चाहिए कि 1,00,000 टैबलेट्स के लिए मुझे कितनी क्वांटिटी चाहिए, व्हाट इज़ द ऑप्टिमल क्वांटिटी। तो 500 विच इज दिस डोजिंग इंटू 1,00,000 डिवाइडेड बाई 1,000 इंटू 1,000। ये दो बार क्यों किया है? क्योंकि ये मेरा mg में है, इसको मुझे kg में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिस वन विल कैंसिल आउट दिस जीरो। डैट मीन्स मुझे ऑप्टिमल जो क्वांटिटी है वो 50 kg ऑफ API है। अब इस 50 kg API में मुझे ये भी देखना कि उस लॉट का असे कितना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे चाहिए क्वांटिटी 50 kg, बट मेरे पास असे जो है उस लॉट का वो 96% है। डैट मीन्स अगर मैंने अब इसे 50 kg इस वाले लॉट को डिस्पेंस किया, देन इट विल क्रिएट ओनली 48 kg ऑफ इफेक्ट। यानी कि जो मुझे पोटेंशियल 48 kg से मिलनी थी, इजी लैंग्वेज में समझते हैं, तो इस लॉट का असे जो है 96% है। डैट मीन्स 50 kg ऑफ दिस लॉट मटीरियल विल बी इक्विवेलेंट टू 48 kg ऑफ 100% असे मटीरियल। अगर किसी लॉट का असे 100% होगा तो उसका 48 kg विल बी इक्वल टू द 50 kg ऑफ दिस मटीरियल। इसलिए मुझे इसको भी अब 50 kg के इक्विवेलेंट करना है फॉर 100% असे। वो कैसे होता है? इट विल बी बाई 96 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, सॉरी 96 नहीं, 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 96, सॉरी फॉर दिस एरर। तो 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 96, अब इससे जो भी क्वांटिटी आएगी, सपोज करिए एक्स आया, इट विल बी इक्विवेलेंट टू 50 kg ऑफ API। दिस एक्स विल बी इक्विवेलेंट टू 50 kg ऑफ API विद 100% असे। ये हमारा एक बेसिक कैलकुलेशन होता है जो हमें API कैलकुलेशन के लिए चाहिए होता है। अब बट हमें जो है, मान लीजिए इस 1,00,000 टैबलेट्स का वेट 100 किलो है और इसमें से यहाँ पे कुछ x जो है 50 kg से प्लस हो गया, मान लीजिए 52 kg हो गया। फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि 52 kg हो गया। अगर मैंने यही API एग्जैक्ट ऐड कर दिया तो ये 100 kg के बजाय 102 kg हो जाएगा। दिस मीन्स कि हमें यहाँ पे जो क्वांटिटी इंक्रीज हुई है उसे इस लॉट में भी कहीं ना कहीं कंपनसेट करना पड़ेगा। यानी कि जो रिमेनिंग 50 kg है, क्योंकि 100 माइनस 50 इक्वल टू 50, तो इस 50 kg से भी हमें कुछ ना कुछ चीज़ों को कम करना पड़ेगा। तो मोस्ट कॉमनली हम लोग जो कंपनसेट करते हैं वो डाइल्यूएंट से करते हैं। आप कंसिडर करिए कि यहाँ इस 50 kg में से मेरा 40 kg डाइल्यूएंट है, तो मुझे अब इस 52 kg के अगेंस्ट ओनली 38 kg ऑफ डाइल्यूएंट विल बी रिक्वायर्ड। अब जब मैंने यहाँ पे 2 kg कम कर दिया, देन द वेट विल बी ओनली 100 kg। सो दिस वन इज द बेसिक रिक्वायरमेंट इन डिस्पेंसिंग। और ये जो है सबसे मेजर कंसर्न होता है किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, क्योंकि वंस दिस कैलकुलेशन हैज बीन कैरिड आउट एंड द मटेरियल इज डिस्पेंस्ड, तो हमारे पास आगे कोई चेक पॉइंट नहीं होता।
अब उससे प्रोडक्ट बन जाएगा और लास्ट में पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट असे में फेल हो रहा है या फिर इसमें ओवर असे आ रहा है। तो इसलिए हमें यहाँ पे एक बहुत मेजर कंसर्न है एट द टाइम ऑफ डिस्पेंसिंग कि हम लोग क्वांटिटी कैलकुलेशन को एग्जैक्ट करें, परफेक्ट करें। सेकेंड थिंग जो कि मेरे डिस्पेंसिंग में यूजफुल है या बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न क्रिएट करता है वो ये दो टर्म हैं, फीफो एंड फेफो। फीफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया है वो पहले जाएगा। सेकंड इज फेफो, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, मतलब जिसकी शेल्फ लाइफ कम बची है उसको पहले डिस्पेंस करना है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे पास दो मटेरियल हैं, एक इन द मंथ ऑफ जून 2024 आया विद द एक्सपायरी ऑफ मई 2029 एंड एक लॉट आया मेरे पास, कंसिडर करिए जुलाई 2024 में, बट इसकी शेल्फ लाइफ जो बची है वो बची है 2027 तक। और अगर मैंने इसको पहले कंज्यूम किया क्योंकि ये तो मेरे पास पहले आ गया, तो इसकी जो क्वांटिटी है वो मेरे पास पड़ी रहेगी टिल जब तक ये पूरा कंज्यूम नहीं हो जाता। इन दैट केस क्या होगा कि इसकी शेल्फ लाइफ क्योंकि पहले से ही कम बची है तो ये और कम होती जाएगी और अल्टीमेटली क्या होगा कि ये मुझे कमर्शियल लॉस भी कर सकता है, प्लस इससे जो जनरेटेड प्रोडक्ट है हो सकता है कि वो पोटेंसी में फेल कर जाए। इसलिए सबसे पहले हमें इसे कंज्यूम करना है, देन फिर इस पे हमें मूव करना है। बट इफ़ इन केस मेरे पास दो ऐसे मटेरियल हैं जिनकी एक्सपायरी सेम है, ये भी मई 2027, ये भी मई 2027, इन दिस केस वी विल कंज्यूम दिस लॉट फर्स्ट। यानी कि अगर दो लॉट्स की एक्सपायरी सेम है तो मेरा फीफो लगता है, बट अगर दो लॉट्स की एक्सपायरी अलग अलग है तो जिसकी एक्सपायरी पहले आ रही है पहले हमें उसे कंज्यूम करना चाहिए। दिस वन इज एप्लीकेबल फॉर रॉ मटीरियल ओनली। वाई? क्योंकि पैकिंग मटेरियल में जो पहले आता है पहले उसको कंज्यूम कर लेना चाहिए, क्योंकि पैकिंग मटेरियल्स में मेरे पास प्रिंटेड टेक्स्ट होते हैं। अगर मैंने पुराने लॉट को अभी होल्ड करके रखा और नए लॉट को कंज्यूम कर लिया तो हो सकता है पुराने लॉट का आर्टवर्क मेरा ऑब्सोलीट हो जाए और वो मुझे कमर्शियल लॉस कर सकता है। तो यहाँ तक तो है ये हमारे जो बेसिक मेजर कंसर्न एट द टाइम ऑफ रॉ मटेरियल डिस्पेंसिंग है वो चीज़। अब हमें एक और चीज़ समझना चाहिए कि रॉ मटेरियल डिस्पेंसिंग हमें कैसे करना चाहिए। कैसे करना चाहिए मतलब हमारे पास एक होता है डिस्पेंसिंग बूथ, जिसमें लगा होता है RLF, रिवर्स लेमिनार एयर फ्लो। इसका इस तरीके से डिजाइन समझिए कि ऊपर से दिस एरो इंडिकेट्स द फ्लो ऑफ द एयर। इसमें क्या होता है RLF में कि ऊपर से एयर आती है और साइड से वो सख होती है। यहाँ पे मेरे पास राइजर्स होते हैं, यहाँ पे मेरे पास हेपा फिल्टर होता है। इसका इस सिस्टम का मेन काम क्या है कि जब भी मैं डिस्पेंस करता हूँ तो कुछ क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल विल गेट स्कैटर्ड। तो इस तरीके के एयर फ्लो से वो सारा एयर राइजर्स की तरफ आता है और ये राइजर्स उसको अपनी सरफेस पे कैरी आउट कर लेते हैं।
अल्टीमेटली मेरा जो प्रोडक्ट है वो सेफ हो जाता है। और क्योंकि अब यहाँ पे हेपा फिल्टर लगा हुआ है तो ये एयर कॉन्टामिनेशन से भी बचाती है, यानी कि ये जो मटेरियल है वो राइजर्स पे स्टक हो जाता है और ये जो एयर है ये दोबारा क्लीन होके हमें मिलती रहती है। उससे अल्टीमेटली क्या है कि मेरा प्रोडक्ट कॉन्टामिनेशन से बच जाता है। तो दिस वन इज़ द बेसिक, थोड़ी ड्राइंग ख़राब है, दिस वन इज़ द बेसिक डिज़ाइन ऑफ द RLF। अब यहाँ पे मेरे साथ एक कंसर्न क्या आता है कि ये RLF जो है किस एरिया क्लासिफिकेशन को कवर करता है और ये जो डॉटेड लाइन है ये क्या चीज़ इंडिकेट करती है। सो दिस वन इज़ द एयर कर्टेन। क्यों? क्योंकि जो RLF है ये भी अल्टीमेटली एक रूम में इस्टेब्लिश है, एक रूम के अंदर है। तो अगर ये मेरे पास ये एयर कर्टन नहीं आएगा तो ये जो कॉन्टामिनेटेड एयर है देर इज ए प्रोबेबिलिटी कि वो रूम में मिक्स हो जाए। अगर रूम की एयर के साथ ये एयर मिक्स हो गई तो अल्टीमेटली मेरा रूम भी कॉन्टामिनेटेड हो जाएगा। सो हमारा जो है, अब मुझे एरिया भी बचाना है और प्रोडक्ट भी बचाना है, इसलिए मेरे पास RLF इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस। अभी इस एयर कर्टन से मेरा, क्योंकि ये एक हाई प्रेशर जोन बनाता है एट दिस पॉइंट, तो जो एयर है वो बाहर नहीं जाती और बाहर की भी एयर अंदर नहीं आती, बाहर की एयर भी अंदर नहीं आती और अंदर की एयर भी बाहर नहीं जाती। इससे मेरा ये जो सिस्टम है RLF के अंडर का ये एक अलग सिस्टम बना देता है, यूनिवर्स से पूरी तरह से कट जाता है। इसीलिए मेरे पास RLF इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस वन। अब मुझे ये तो पता चल गया RLF में क्यों लगाते हैं और RLF का मतलब क्या है, रिवर्स का क्या मतलब है। दिस सर्कुलर मोशन ऑफ द एयर, मतलब दिस रिवर्सिंग सर्कुलर मोशन ऑफ द एयर, यानी कि जहाँ से वो एयर जनरेट हुई अल्टीमेटली वहीं से वो वापस आ रही है। दिस वन इज़ द फिनोमेना ऑफ RLF, यानी कि रिवर्स का मतलब यहाँ पे है। अब एक ये चीज़ आती है कि जब हम कहते हैं RLF और ये रूम है तो ये रूम है क्लास डी, तो मेरा RLF के अंडर में कौन सा क्लासिफिकेशन होना चाहिए। तो एक बेसिक मॉडल समझिए कि ये एनवायरनमेंट, फिर CNC, फिर क्लास डी, फिर क्लास सी, क्लास बी एंड देन इनर कोर इज क्लास ए। मतलब एनवायरनमेंट से कट के होगा CNC, CNC के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो सकता है क्लास डी, क्लास डी के डायरेक्ट कांटेक्ट में क्लास सी, और क्लास सी के बाद आएगा क्लास बी, और क्लास ए इज द इनर मोस्ट लेयर। अब कुछ लोग मानते हैं कि RLF जब हमने लगा दिया तो उसके नीचे का एरिया क्लास ए होना चाहिए, बट नहीं, क्योंकि मेरा आउटर एयर इज क्लास डी, तो इस मॉडल के हिसाब से क्लास डी के बाद सिर्फ क्लास सी आ सकता है। तो आइदर दिस शुड बी क्लास सी और क्लास डी। क्लास डी और सी के अलावा RLF के अंडर इफ़ माई रूम इज क्लास डी तो डी और सी के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। अब यहाँ तक तो बात आई यहाँ की। अब सेकेंड थिंग, अगर मेरा प्रोडक्ट स्टेराइल क्लास का है, मतलब मुझे पेरेंट्रल में देना है, तो मेरा RLF किस उसमें होना चाहिए। इन दैट केस माई रूम शुड बी क्लास बी एंड इन दस दिस RLF शुड गिव क्लास ए। अब मैंने आपसे बताया था कि हमारी जो डिस्पेंसिंग होती है वो तीन अलग अलग तरीके से होती है, API, एक्सीपियंट एंड देन लिक्विड्स। अब API अगर सॉलिड है तो वो स्कूप और सम अदर सॉलिड डिस्पेंसिंग टूल्स के साथ होगा। सिमिलरली एक्सीपियंट शुड बी फ्रॉम स्कूप, बट फॉर लिक्विड वी कांट यूज दिस स्कूप, इसके लिए हमें पंप लगाना होता है। ये पंप मेरे पास दो तरह से हैं, एयर पंप
और बैरल पंप। एयर पंप में मेरे पास जो है जैसे कि न्यूमेटिक पंप हो सकता है और भी कई तरह के पंप हैं, बट बट जो मोस्ट कॉमन यूज्ड होता है वो एयर पंप होता है जो कि कंटिन्यूस टाइप होता है। न्यूमेटिक पंप में क्या है कि इस तरह से मोशन बनेगा, एक बार वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगी, फिर डिस्पेंसिंग होगी, फिर वैक्यूम क्रिएट होगा, फिर मटेरियल निकलेगा, फिर वैक्यूम क्रिएट होगा, फिर मटेरियल निकलेगा। तो इसमें क्या है कि मटेरियल का क्वांटिटी हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बट जो एयर कंटिन्यूस पंप होते हैं उसमें क्या रहता है, जैसे ये लिक्विड का बैरल है, इसमें दो तरफ से होल होता है, एक एयर होल जहाँ से कंप्रेस्ड एयर दिया जाता है, इसकी पाइप लिक्विड लेयर से थोड़ा ऊपर तक रहती है, दूसरी एक तरफ से पाइप होता है जो कि लिक्विड में सबमर्ज होती है। तो इधर से एयर एंटर करती है, वो यहाँ पर आती है, प्रेशर क्रिएट करती है, और अब क्योंकि हम एक साइंटिफिक फिनोमिना है कि मटेरियल फ्लोज फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया, तो अब क्योंकि अंदर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव होता जा रहा है, तो इसके मुकाबले मेरा जो बाहर एरिया है वो माइनस प्रेशर में जाता है। तो यहाँ पर जो मेरा पाइप है वो एक अलग कंटेनर में फॉल होता है जिसमें कि मेरा लिक्विड मटेरियल डिस्पेंस होता जाता है। तो ये मेरा लिक्विड डिस्पेंसिंग में आता है। अब जो भी सॉलिड मटेरियल है उसकी डिस्पेंसिंग हम लोग थ्रू स्कूप्स करते हैं। फिर से मैं बता देता हूँ, हर मटेरियल हमें डिस्पेंस करना चाहिए, देयर शुड नॉट बी ए प्रैक्टिस लाइक हम लोग इंटैक्ट कंटेनर डिस्पेंस कर दें, क्योंकि इंटैक्ट कंटेनर्स तो कुछ होते ही नहीं हैं। सैम्पलिंग के टाइम पे क्यूसी पर्सन सारे कंटेनर्स ओपन करते हैं, तो मतलब उसमें से कुछ ना कुछ क्वांटिटी वो लोग सैम्पलिंग आउट कर रहे हैं इन स्टैंडर्ड कंडीशन, इन आइडियल कंडीशन। तो अगर वो कंटेनर 25 किलो का इंटैक्ट था, उन्होंने कुछ क्वांटिटी सैंपल आउट कर लिया है, इट मींस वो 25 किलो नहीं रहेगा, वो कुछ क्वांटिटी कम हो जाएगी। इसलिए हमेशा हमें स्कूपिंग करके ही डिस्पेंस करना चाहिए मटेरियल को। इसके पीछे सेकंड फैक्टर है कॉन्टेमिनेशन का। अगर हमने स्कूप आउट नहीं किया, कई बार कंटेनर्स में अगर हमने स्कूप आउट नहीं किया तो कई बार क्या होता है कि कंटेनर्स में हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जो वेंडर है उसके स्कूप मिल जाते हैं, कई बार कुछ फिल्टर्स मिल जाते हैं, कई बार कुछ स्क्रैप मटेरियल भी मिल जाता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि ऊपर ऊपर की लेयर कुछ और इंडिकेट कर रही है कलर की है और नीचे की लेयर कुछ और कलर की है। पता चला आपने इंटैक्ट कंटेनर दे दिया तो ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, क्योंकि प्रोडक्शन पर्सन आर नॉट गोइंग टू बॉदर अबाउट दिस लेयर। लेकिन अगर हमने डिस्पेंसिंग किया, स्कूप आउट किया, तो जैसे ही मेरी पहली लेयर स्कूप आउट होती है, मुझे यहाँ पे कलर डिफरेंस मिल जाता है। उससे मुझे क्या बेनिफिट होता है कि अगर देर इज सम फेलियर ऑफ दिस मटीरियल, कि जिसकी वजह से ये जो लेयर है मेरे प्रोडक्ट को हार्म कर सकती है, तो हम वहीं पे रुक जाते हैं। इसीलिए हमारी प्रैक्टिस में हमेशा सॉलिड मटेरियल के लिए स्कूप आउट होना ही चाहिए। सिमिलरली फॉर द लिक्विड, कई बार ऊपर की लेयर में कुछ और होता है, नीचे कुछ और होता है, इसलिए वहाँ पे भी हमें डिस्पेंस थ्रू पंप कर लेना चाहिए, करना ही चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस वन इज अबाउट द रॉ मटेरियल डिस्पेंसिंग। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इफ़ इससे इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ बेनिफिट मिलता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इससे बेनिफिट ले सकें, और इसे अपने ग्रुप्स में शेयर करिए, प्लस इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए। राधे राधे।